तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए मैच प्रेडिक्शन वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कौन होगा इस मैच का टॉस प्लस मैच विनर, पिच रिपोर्ट क्या रहने वाला है, हेड टू हेड सेशन, प्लेइंग 11, सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो वीडियो को हल्का सा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैच नंबर 33 खेला जाएगा इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में। 2 नवंबर 2 PM से मैच स्टार्ट हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इस ग्राउंड पे खेले गए लास्ट 5 ODI मैचेस का रिकॉर्ड देखें तो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 40% मैचेस को विन की है, तो वहीं फर्स्ट बॉलिंग करने वाली टीम 60% मैचेस को विन की है। यानी यहाँ जो टीम पहले टॉस विन करेगी वो पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है। वहीं इस पिच का पिच रिपोर्ट देखें लास्ट 10 मैच के बेसिस पे तो बैटिंग फेवरेट पिच है, सुटेबल फॉर पेसर्स है, यानी ये जो पिच है बैट्समैन के लिए काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ हाई स्कोर हमें देखने को मिलेगा क्योंकि ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा छोटा है और यहाँ पे पेसर्स को काफ़ी ज़्यादा विकेट्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आप अपने फैन टीम या ड्रीम इलेवन टीम के लिए पेसर्स को पिकअप कर लीजिएगा, ये आपको अच्छा रैंकिंग दिलाने में मदद करेंगे और आप हेड टू हेड में जीतेंगे भी। मैं लास्ट में अपना टीम भी बताऊँगा कि किस प्लेयर को आपको अपने टीम में लेना है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। वहीं इस पिच का विकेट रिपोर्ट देखें पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स के बीच में, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पिच है पेसर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, तो पेसर्स को इस पिच पे 76% विकेट मिले हैं अभी तक, तो स्पिनर्स को ओनली 24% ही विकेट मिल पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पिच जो है पेसर्स के लिए कितना ज़्यादा सूटेबल है। वहीं दोनों टीमों के ओवरऑल स्नैपशॉट की बात करें तो इन दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ ODI में 28 मैचेस को प्ले किया है, जिसमें से इंडिया ने 19 मैचेस को विन किया है तो श्रीलंका ने सिर्फ 9 मैच ही विन किया है। एक दूसरे के खिलाफ इनका एवरेज रन रेट इंडिया का 165 का रहा है तो श्रीलंका का 146 का रहा है। मैक्सिमम रन रेट की बात करें तो इंडिया ने 260 रन बनाए हैं तो श्रीलंका ने 215 रन बनाए हैं। मिनिमम रन रेट की बात करें तो इंडिया ने 81 रन बनाया है तो श्रीलंका ने 82 रन बनाया है। वहीं फर्स्ट बैटिंग करते हुए इंडिया ने 9 मैचेस को विन किया है तो श्रीलंका ने सिर्फ 2 मैचेस को ही विन किया है। वहीं दोनों टीमों के लास्ट 10 हेड टू हेड मैचेस की बात करें तो इंडिया ने 9 मैचेस को विन किया है तो श्रीलंका ने सिर्फ 1 मैच ही विन किया है। यानी इंडिया जो है श्रीलंका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आती है, बट देखेंगे इस मैच में क्या होने वाला है। फाइनल रिपोर्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो आप सभी को हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं कि इस मैच का टॉस कॉल किस टीम का रहने वाला है। तो इस मैच का टॉस कॉल रहने वाला है श्रीलंका का और मेरे तरफ से टॉस विन करेगा इंडिया। अगर टॉस से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट आता है या फिर विनर चेंज होता है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे टॉस के एक या डेढ़ घंटा पहले अपडेट कर दिया जाएगा। तो फटाफट आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉस मैच सेशन से जुड़ा हुआ सारा एंट्री अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही दिया जाता है। वहीं इस पिच का सेशन रिपोर्ट की बात करें लास्ट 3 मैच के बेसिस पे तो 10 ओवर में फर्स्ट इनिंग में 54 रन के आसपास रहता है तो सेकेंड इनिंग में 47 रन के आसपास रहता है। वहीं 20 ओवर में फर्स्ट इनिंग में 118 रन के आसपास रहता है तो सेकेंड इनिंग में 96 रन के आसपास रहता है। वहीं 30 ओवर में फर्स्ट इनिंग में 177 रन के आसपास रहता है तो सेकेंड इनिंग में 123 रन के आसपास रहता है। वहीं 35 ओवर में फर्स्ट इनिंग में 205 रन के आसपास रहता है तो सेकेंड इनिंग में 149 रन के आसपास रहता है। वहीं 40 ओवर में फर्स्ट इनिंग में 247 रन के आसपास रहता है तो सेकेंड इनिंग में 184 रन के आसपास रहता है। वहीं 50 ओवर में फर्स्ट इनिंग में 390 रन बने हैं तो वहीं सेकेंड इनिंग अभी तक प्ले नहीं हुआ है। तो ये रहा सेशन रिपोर्ट। यहाँ कुछ सेशन यस होंगे, कुछ सेशन नो होंगे, कौन सा सेशन यस होगा कौन सा सेशन नो होगा ये आपको हमारे फैन टीम टेलीग्राम चैनल पे बताया जाएगा टॉस होने के बाद। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा।
वहीं अब एक नजर इन दोनों टीमों के प्लेइंग 11 पे डालें तो आप यहां पे इन दोनों टीमों का प्लेइंग 11 टीम देख सकते हैं। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, अगर कोई चेंजेस आया तो टॉस के बाद आपको हमारे फैन टीम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको फाइनल मैच विनर टीम यहीं पे दिया जाता है। टॉस होने के बाद आपको कब एंट्री लेना है, कब लॉस कट बुक सेट करना है, सारा एंट्री अपडेट आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है। आपको यहाँ पे 10% लॉस कट बुक सेट भी करवाया गया हुआ है, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। और जो लोग फैन टीम या ड्रीम 11 टीम खेलते हैं, सिंपली किसी भी मैच अपडेट के ऊपर आपको आ जाना है, वहां पे आपको फैन टीम लिखा हुआ मिलेगा, उस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। जैसे उस लिंक को आप ओपन कीजिएगा, आप हमारे ड्रीम 11 फैंटेस्टिक टेलीग्राम चैनल पे आ जाइएगा। आपको यहाँ पे टीम बना के दे दिया जाता है कि किस प्लेयर को आपको अपने टीम में लेना है, यहाँ का टीम आप पिकअप कर सकते हैं। यह आपको अच्छा रैंकिंग दिलाने में मदद करेगा और आप हेड टू हेड में जीतेंगे भी। तो चलिए मिलते हैं अगले मैच के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हर साल और हमेशा यूं ही अपडेट पाने के लिए। तब तक मिलते हैं अगले मैच के वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।